गुड टू सी यू। इतनी सुबह इतना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव, ये कैसे आइडिया आया कि ऐसा कुछ करना चाहिए? देखिए इतनी करेक्ट, क्योंकि हो सकता है पहले से हो रहा हो, मुझे मैं वाकिफ ना। नहीं, असल में हुआ ये कि 14 जनवरी 2019 को कैफ़ी साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो ज़ाहिर है हमने ये तय किया था कि सारा साल जश्न मनाएंगे, और जश्न जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है, और यूके में भी है और यूएसए में भी हो रहा है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। फिर बैठे बैठे हमको ये ख्याल आया कि कैफ़ी साहब बच्चों को बहुत चाहते थे, उनके साथ आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिपटे हुए हैं, तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफ़ी की किसी नज़्म के टाइटल पर वो लिखें, तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, फिर किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक बहुत फेमस नज़्म है, उसको बना के इस तरह से आइडिया आया। अलग जश्न, जब प्यार की हम बात करते हैं, आप एक बहन भाई का हो सकता है, एक माँ बेटे का हो सकता है। जी मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है। हम एज एडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं, अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव more and more such programs. Nice. And we might pick up something from which हमको ऐसे लगे कि इस basis पे हमको कुछ और करना चाहिए। So हमको लगता है this will probably be an opening for us to, क्योंकि साल भर के ये celebrations होने वाले हैं, तो शायद बच्चे हमें कुछ idea दे दें, और बच्चों के साथ तो energy अलग ही होती है। तो स्पेशल किट भी हैं, वो भी आमंत्रित हैं, हमने देखा था वो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब ये किसका आइडिया है कि वो भी हिस्सा हैं और एक अलग पैगाम, एक अलग मैसेज जाता है? नहीं, लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से भी हो, किसी भी तबके का हो, बच्चा बच्चा होता है, और इसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, तो जो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हो, बच्चे बस बच्चे होते हैं। नहीं, और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस। असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, अडल्ट्स को नहीं पता रहता कि उनके साथ किस तरह से वो मिक्स करें, और तो अडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर दूँ, कुछ हो जाएगा, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट इंटीग्रेट दैम। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा एहसास होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी कैफी साहब से, अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, मतलब आई गेट गूज बम्स व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर, योर रिलेशनशिप विद योर फादर, कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब भी, और अनगिनत बार आप जिक्र करती हैं, इमोशनल होना तो यकीनन इमोशनल हर बार होती होंगी, लेकिन कुछ यादें जो बहुत इमोशनल कर देती हैं आपको कैफी साहब को सोच। कैफी साहब, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा कैफी साहब के बारे में बोला है कि आप तन्वी जो उनकी बहू हैं उनसे पूछिए, क्योंकि ससुर और बहू का कैसा रिश्ता था। देखिए जब कैफ़ी साहब ने औरत नज़्म लिखी थी आज से 70 साल पहले, तो सिर्फ वो एक नज़्म लिखी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में उसने उसको उतारा था, तो चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, जो उन्होंने कहा ठीक वैसा ही उनका व्यवहार रहा है। तो पहले तन्वी बताएँ कि कैफ़ी साहब के साथ क्या रिश्ता था। कैफ़ी साहब के साथ तो ससुर और बहू का था ही नहीं, बाप बेटी का ही था, और अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि शबाना जी ज़रा जलती भी थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारा प्यार मिलता था कैफ़ी साहब से, तो किस्सा सुना दो। नहीं, मैं ही बताती हूँ वो किस्सा। असल में क्या है कि कैफ़ी साहब मुझे जो है मेरे गुलाब का फूल कहते थे हमेशा। हाँ, अब तन्वी भी आ गई, तो एक दिन मैंने सुना कि ये तन्वी को मेरा थी नहीं कमरे में, तो उस वक्त अब्बा जो है ज़रा प्यार से मुझे लाड़ कर रहे थे और कह रहे थे मेरे गुलाब का फूल, मेरे गुलाब का फूल। तो जब ये निकली तो मैंने जाके कहा आप सारी उम्र मुझे गुलाब का फूल कहते हैं और अब आप अपनी बहू को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तो कहते नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैं तो उसको गोभी का फूल कह रहा। तो ऐसा पटाते थे वो हम सब लोग। इसके बाद और क्या करने की तैयारी है?
जश्न के माध्यम से या मेज़बान के माध्यम से और किस बिना पे, जैसे उम्र का भी दखल किया है कि 10 से 15 साल बच्चे, कैसे आपने पूरा जीरो डाउन किया, कैसे प्लान किया कि ये स्कूल्स या ये बच्चे या जो जो बच्चे तो हिस्सा बनना चाहे बन सकते हैं, उम्र का? और देखिए, ये सोचा गया था कि क्योंकि ये नज़्म के उन्वान पर है तो ऐसे बच्चों को ले जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, अगर बहुत छोटे बच्चों को ले लेंगे तो शायद उनके लिए इसको हज़म करना मुश्किल होगा, तो इस बात का ख्याल रखा गया। फिर जो जुहू सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कैफ़ी आज़मी पार्क बनाया ही गया था इस ख्याल से कि यहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि कैफ़ी साहब ख़ुद इतने एक्टिव इंसान थे, तो फिर उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और सही मानों में नैना दास गुप्ता जो हैं उन्होंने ये पूरा कंसीव किया है इनके साथ, जबीन के साथ, सो वी आर वेरी हैप्पी।